हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे मैंने हिंदी में, इनको जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे। जर्मन में देखेंगे कैसे इन सेंटेंसेस को बोलते हैं। देखने में तो बहुत आसान लग रहे हैं आपको, एक बार में समझ आ रहे हैं। हिंदी में मदर टंग है हमारी हिंदी, इंडियंस की तो हिंदी तो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाती है, बट जर्मन में कैसे देखेंगे इन सेंटेंस को, कैसे लिखते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को आप लर्न करोगे, नोटबुक में लिखोगे, और पॉसिबल होगा तो कुछ और नए सेंटेंसेस बनाओगे नीचे कमेंट में। मैं आपके सेंटेंस सारे पढ़ता हूँ और उसमें कुछ करेक्शंस होता है तो जरूर करता हूँ। बाकी टारगेट बैच स्टार्ट हो चुके हैं 1 अक्टूबर से। A2 और B1 के टारगेट बैच स्टार्ट हो रहे हैं। A1 का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, न्यू बैच नवंबर में होगा। ओके, तो जल्दी से ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड सम मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सेंटेंस, एक यूनिवर्सिटी कैंपस कैसा दिखता है, मतलब एक यूनिवर्सिटी का कैंपस वो कैसा दिखता है। यहाँ पे वर्ब है दिखना, कोई चीज़ कैसी दिखती है, मतलब हाउ डज इट लुक लाइक, हाउ डज अ यूनिवर्सिटी कैंपस लुक लाइक। एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो कैसा दिखता है, सपोज जर्मन यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा दिखता है हम इमेजिन कर सकते हैं। जो भी लोग जर्मनी नहीं गए हैं सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। वी आर क्योनन उन्स फोर स्टेलन वी दास ऑर्डर वी डॉच यूनिवर्सिटेट कैंपस आउजीट, कैंपस बोलेंगे ऑर्डर वी डी डॉच यूनिवर्सिटेट आउजीट। द वर्ब इज आउजेयन, यहाँ पे वर्ब है आउजेयन, सेपरेबल वर्ब है, इसको सेपरेबल करेंगे तो कैसा दिखता है, मतलब वी जीट आउज, वी जीट अब क्या दिखता है, डॉचे यूनिवर्सिटेट कैंपस आउज। देखो ये इस तरह से बनेगा सेंटेंस। पहले आपको वर्ब पहचानने, क्या वर्ब है, जैसे वर्ब है आउजेयन तो कैसा दिखता है, वी जीट डी यूनिवर्सिटेट आउज, वी जीट डी डॉचे यूनिवर्सिटेट आउज, वी जीट दास डॉचे यूनिवर्सिटेट कैंपस आउज। जर्मन यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा दिखता है, तो यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस हम लिख सकते हैं यूनिवर्सिटेट। आई थिंक कैंपस की स्पेलिंग एक बार चेक करना यही होगी, नहीं तो सी से कैंपस इंग्लिश की तरह यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। वी जीट डॉच यूनिवर्सिटेट कैंपस, ठीक है, कैंपस इंग्लिश वर्ड है तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर्ब है आउजेयन, आउजेयन इरेगुलर वर्ब है तो जेन को हमने आई ई में चेंज किया, स्पेलिंग आपको पता है ई की जगह आई ई हो जाता है, ठीक है, इरेगुलर वर्ब में ध्यान देना डू और थर्ड पर्सन में। इतना समझ आया आपको, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे और साथ साथ वीडियो को लाइक करोगे। दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं एक बार साथ में, ऑफिस में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ऑफिस में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो आप बनाओगे इसका सेंटेंस, ऑफिस में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, इसको क्या लिखेंगे बताओगे आप, अगर आपको पता है तो वेल्शे क्लाइडुंग, वेल्शे क्लाइडुंग मतलब कैसे कपड़े, किस तरह के कपड़े, विच टाइप ऑफ क्लोथ, विच टाइप ऑफ क्लोथ वियर पीपल इन द ऑफिस, विच टाइप ऑफ क्लोथ कैसे कपड़े, विच टाइप, तो क्लाइडुंग क्या होता है, डी क्लाइडुंग, तो हम क्या लिखेंगे वेल्शे, वेल्शे क्लाइडुंग कैसे कपड़े पहनते हैं, मतलब प्लूरल है ये, विच टाइप ऑफ क्लोथ वियर पीपल, लोग मतलब यहाँ पे प्लूरल है पीपल, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी लगेगा। वेल्शे क्लाइडुंग ट्रागन डी मेंशन, ट्रागन डी मेंशन लोग, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वेल्शे क्लाइडुंग ट्रागन डी मेंशन इन ब्यूरो, ठीक है, ऑफिस में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, समझ गए, देखो वेल्शे क्लाइडुंग ट्रागन डी मेंशन इन ब्यूरो, यहाँ पे इस तरह से एक बार सेंटेंस पूरा देखोगे, ये सारे लगभग क्वेश्चन ही बनाए हैं मैंने। वेल्शे क्लाइडुंग मतलब किस तरह के कपड़े, कैसे कपड़े, इसको लिखा हमने वेल्शे क्लाइडुंग, ठीक है, और पहनने को क्या बोलते हैं ट्रागन। एक और वर्ब है यहाँ पे आंसियन, आंसियन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने त्रागन यूज़ किया, सिंपल है, आपको समझ आ रहा है। पहनते हैं और कौन पहनते हैं, लोग, तो डी मेंशन प्लूरल है, डी मेंशन प्लूरल होता है, ठीक है, और ऑफिस में, तो ऑफिस में मतलब दफ्तर में, और हम बोलेंगे इन ब्यूरो। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस जर्मन में तैयार हुआ। कैसा लगा आपको सेंटेंस, समझ आया? इस तरह का एक और सेंटेंस आप भी बना सकते हो, बिल्कुल आसान है, क्लास को पूरा एंड तक देखोगे, जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ आप नोट करोगे, पेपर पेन लेके नोट करोगे। डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने बताए हैं, नाउन कैसे लिखा है, वेल्शे को कैसे हमने कॉन्जुगेट किया है, क्योंकि क्लाइडुंग का आर्टिकल डी है तो वेल्शे, अगर कोई नाउन दास होता तो वेल्शस, कोई नाउन डेयर होता तो अकुसेटिव केस होगा तो वेल्शन, और नॉमिनेटिव होगा तो वेल्शर। इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है वेल्शे वेल्शस का, मेरे चैनल पर जाकर सर्च में लिखना वेल्शे वेल्शस, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, उससे आप और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। चैनल पे 2000 से ज़्यादा वीडियोस हैं, ध्यान रखना हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जर्मनी में सभी जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन किया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। रूल्स और रेगुलेशन क्या बोलते हैं, रेगल उन फोर शिफ्टन, पहले इसका मतलब देख लेंगे क्या होता है, रेगल उन फोर शिफ्टन, रूल्स और रेगुलेशन क्या बोलते हैं, रेगल उन फोर शिफ्टन,
और सब जगह यूबरऑल, सब जगह जर्मनी में यूबरऑल इन डॉयचे लैंड। ये सेंटेंस देख लो, पैसिव वॉइस है, इसको बोलते हैं पैसिव जाट्स, पालन किया जाता है। कौन करता है ये मेंशन नहीं है, लेकिन पालन किया जाता है। यहाँ पे जो डूअर है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट है। हैंडलूम इस्ट विस्टिश, जब हैंडलूम विस्टिश होता है एक्शन इस्ट विस्टिश देन जाक्मान पैसिव जाट्स। ओके, डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्शन इज इंपॉर्टेंट। रूल्स रेगुलेशन का पालन किया जाता है, नियम का पालन किया जाता है, दैट इज पैसिव वॉइस। कौन पालन करता है? ऑफकोर्स लोग ही पालन करेंगे, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे? यूबरऑल इन डॉयचलैंड, यूबरऑल इन डॉयचलैंड। मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, यूबरऑल इन डॉयचलैंड, शॉर्ट में लिखा है डी ई डॉयचलैंड। वैडन रेगल उन फोरशिफ्टन, रेगल उन फोरशिफ्टन, गेफॉल्ट, गेफॉल्ट और भी लिख सकते हो, ठीक है, और आएंगे हाल्टन, यहाँ पे वर्ब है। पहले तो पासिव समझेंगे, पासिव जार्ट क्या होता है, वैडन सेकंड पोजीशन पे आता है और यहाँ पे वर्ब लास्ट में आएगा, या तो ये वर्ब लिख लेंगे या फिर ये, दोनों में से कोई भी एक वर्ब लिखना है। तो क्या लिखा है देखोगे, जर्मनी में सभी जगह रूल्स और रेगुलेशन का पालन किया जाता है। तो पासिव जार्ट क्या बोलते हैं हम, पासिव जार्ट जब होता है तो क्या लिखते हैं हम, हमारा वैडन सेकेंड पोजिशन पे जो कि ये है, और साथ में परफेक्ट हमारा आता है पार्टिसिपल स्वाय लास्ट पोजिशन पे जो हमने वहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, यूबरऑल इन डॉयचलैंड वैडन रेगल उन फोरशिफ्टन गेफॉल्ट। रेगल उन फोरशिफ्टन को क्या मतलब है यहाँ पे, रूल्स रेगुलेशन, ये नोट करोगे आप, रूल्स और रेगुलेशन, नियम कानून क्या बोलते हैं, रेगल उन फोरशिफ्टन। ओके, रेगल उन फोरशिफ्टन वैडन इन डॉयचलैंड यूबरऑल आएंगे हाल्टन और गेफॉल्ट। नियम कानून का पालन किया जाता है, जब हम किसी नियम का पालन करते हैं तो हम वर्ब लिखाते हैं आइन हाल्टन और या फिर लिखते हैं फॉल्गन। तो परफेक्ट क्या बनेगा, गेफॉल्ट और आएंगे हाल्टन। पैसिव जार्ट्स के ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई 3 से 4, देख लेना। जो भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं सारे ऑलरेडी, स्पेशली एक टॉपिक पर ग्रामर वीडियो बन चुका है। अभी हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीख रहे हैं, कैसे उस ग्रामर को हमने सेंटेंस में अप्लाई किया है, एप्लीकेशन बेस्ड जर्मन, ये आपको आनी चाहिए। किताबों में तो जर्मन हम सब पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, एग्जाम की बुक्स पढ़ते हैं, बट इनको प्रैक्टिकल अप्रोच इन पे अप्लाई करना बहुत जरूरी है। वास्तविक जीवन में इनको कैसे यूज़ करेंगे, रियल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, इस तरह के सेंटेंस हम सीख रहे हैं। एक और देख लेते हैं, क्या तुम्हें बेसिक लॉ पता है? बेसिक लॉ क्या बोलते हैं, बेसिक लॉ बताओगे, ग्रुंड गेजेट्स, ग्रुंड गेजेट्स, यहाँ पे दो वर्ड है, बेसिक और लॉ, ग्रुंड गेजेट्स, ध्यान रखोगे, ग्रुंड गेजेट्स का मतलब होता है बेसिक लॉ, ग्रुंड गेजेट्स। देखो बेसिक लॉ क्या बोलते हैं, ग्रुंड गेजेट्स, दस ग्रुंड गेजेट्स, ग्रुंड दो वर्ड है, ग्रुंड और गेजेट्स, बस एक साथ लिखेंगे हम, एक साथ लिखेंगे ग्रुंड गेजेट्स। इसी तरह से हम टारगेट बैच में पढ़ते हैं, A1, A2, B1, इस तरह से बोर्ड पे जैसे आप देख रहे हो लाइव क्लास, ऐसी टारगेट बैच की लाइव क्लास होती है। ज्वाइन करना है तो आप नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है उस पे जाके पूरी डिटेल ले सकते हो। बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली, लाइव क्लासेस होंगी उसकी, बहुत नॉमिनल फीस है, आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो चुका है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं बैच में। अब A1 का नया बैच नवंबर में बनेगा, A2 B1 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब एंड जॉइन अस। क्या तुम्हें बेसिक लो पता है, क्या तुम्हें पता है, आप देखो पता होने के लिए हमारे पास वर्ब है विसन और कैनन। विसन जैसे हम बोलते हैं क्या तुम्हें पता है, विसन जी, लेकिन क्या तुम्हें मतलब किस चीज की बात करें, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है, तो कैनन, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, इश वाइसनिस्ट, बट मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, इश कैने दाइनन नामनिस्ट। जब हम किसी नाउन को यूज़ करते हैं कि क्या चीज़ तुम्हें नहीं पता, इस शहर के बारे में नहीं पता, या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, तुम्हें मेरा नंबर नहीं पता, तुम इस व्यक्ति को के बारे में नहीं पता, तो कैनन। लेकिन जब हम सिंपल बोलते हैं आई नो इश वॉइस, आई डोंट नो इश वॉइस लिस्ट, या हम कोई इनडायरेक्ट फ्राग बनाते हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, इश वॉइस लिस्ट वो एयर वोंट, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, इश वॉइस लिस्ट वी डू हाइस्ट। चलो इस पे बनाया हुआ वीडियो देख लेना, हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा, बट आप देख लेना क्योंकि आप सब नए स्टूडेंट्स हो। चलिए, क्या तुम्हें बेसिक लॉ पता है, कैनन जी दास ग्रुंड गेजेट्स, बस ये सेंटेंस है, ग्रुंड गेजेट्स बेसिक लॉ, फंडामेंटल्स हो,
साधारण बेसिक नियम कानून, जब हम जर्मनी में जाते हैं तो हमें कुछ बेसिक नियमों का पालन करना पड़ता है। सभी को जानकारी होनी चाहिए कि जर्मनी में बेसिक लू क्या है, बेसिक लॉ क्या है, ग्रुंड गेजेट्स क्या है। तो जर्मनी जाने से पहले एक बार जरूर ये सब चीज़ें पढ़ लेना, वेबसाइट पे है मेक इट इन जर्मनी, या सिंपल गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ग्रुंड गेजेट्स यू शुड नो, कैनन जी तस्करुंड गेजेट्स या इश कैने नाइन इश कैने लाइडरनिस्ट। ठीक है, दोनों आप बोल सकते हो या नाइन, क्योंकि अभी या नाइन फ्राग है। किस तरह का क्वेश्चन है? या नाइन फ्राग, ये टॉपिक A1 लेवल में पढ़ते हैं हम, A1 लेवल में पढ़ाया जाता है या नाइन फ्राग। नेक्स्ट, रोड ट्रांसपोर्ट को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं पहले? स्ट्रासन फेरकेयर, स्ट्रासन फेरकेयर, रोड ट्रांसपोर्ट जो सड़क पर ट्रांसपोर्ट होता है, कार, बस, टेम्पू, रिक्शा, साइकिल, को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है, सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। ओके, स्टार्क स्ट्रासन फेरकेयर इस्ट स्टार्क कंट्रोलियर्ड, कंट्रोल किया जाता है। स्ट्रासन फेरकेयर इस्ट स्टार्क कंट्रोलियर्ड, ये भी पासिव सार्ट से सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। स्ट्रासन फेरकेयर इस्ट स्टार्क कंट्रोलियर्ड, लिखोगे आप ये सेंटेंस? इस सेंटेंस को आप लिखोगे, इस तरह के सेंटेंसेस और भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे आपको, ये सारी वर्ब्स लिखनी है, नोट करनी है। और इस तरह के और भी सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताना कैसे आप ये सेंटेंस बनाओगे, कैसे आप ये सेंटेंस लिखोगे, कमेंट में लिखिए। आप डेली लिखते हो सेंटेंसेस, मैं चेक भी करता हूँ, और इस तरह के सेंटेंस आप जरूर और भी ज़्यादा लिखिए। ठीक है, और भी ज़्यादा लिखोगे तो और ज़्यादा करेक्शन करेंगे और बाकी लोगों को भी सीखने के लिए मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट को सख्ती से पालन किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। स्ट्रासन फेरकेयर इस्ट स्टार्क कंट्रोलियर्ड ओडर स्टार्क गिरेगल्ट। देखो गिरेगल्ट हमने अभी पढ़ा था, रेगल, रेगल होता है कानून, और यहाँ पे वर्ब भी है रेगल। ठीक है, रेगल एक वर्ब है, तो ये वर्ब है, ये नाउन है, नाउन कैपिटल होता है, वर्ब स्मॉल होती है। यहाँ पे गिरेगल्ट को रोड ट्रांसपोर्ट को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है, इस स्टार्क कंट्रोलियर्ड या फिर बेजोंडर्स, बेजोंडर्स कंट्रोलियर्ड या बेजोंडर्स गिरेगल्ट। शक्ति से मतलब कि स्पेशल तरीके, कुछ स्पेशल नियम कानून है, रोड ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज कंट्रोल्ड, रोड ट्रांसपोर्ट इज कंट्रोल्ड, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। तो गिरेगल्ट यहां पे वर्ब लिखेंगे, स्ट्रासन फेरकेयर इज बेजोंडर्स गिरेगल्ट ओडर बेजोंडर्स कंट्रोलियर्ड स्टार्क गिरेगल्ट। तो रेगल वर्ब भी है और रेगल एक नाउन भी है, बस आपको कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल तो वो नाउन है, फर्स्ट स्मॉल है तो वो वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते, जो भी जर्मन सीखना चाहता है वह डार्फ कोर्स करता है, वह डार्फ कोर्स करता है, कोर्स करता है तो सिंपल में पढ़ता है बेजुखन कोर्स, बेजुखन पटम, कुछ नया सीखेंगे यहाँ पे, देखते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में सेंटेंस लिखो जल्दी से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, बाकी हम करेंगे भी सेंटेंस को। लिखिए, जो भी जर्मन सीखना चाहता है वो डाफ कोर्स करता है। डाफ क्या होता है? डॉयच आल्स फ्रेमडिश प्राह, डाफ की फ्लोसन क्या है? डॉयच आल्स फ्रेमडिश प्राह, हम जो सीख रहे हैं क्या है? डाफ, डॉयच आल्स फ्रेमडिश प्राह, जर्मन एज ए फॉरन लैंग्वेज, हम लोग जर्मन को एज ए फॉरन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे डाफ, ये आपको पता होना चाहिए। डाफ, डॉयच आल्स फ्रेमडिश प्राह, जर्मन हम एक फॉरन लैंग्वेज सीख रहे हैं। अगर कोई जर्मन हिंदी सीखता है तो हिंदी क्या है उसके लिए? डाफ, डॉयच आल्स फ्रेमडिश प्राह। कोई अमेरिकन हिंदी सीखता है तो उसके लिए हिंदी क्या है? डाफ। ठीक है, उसके लिए हिंदी डाफ नहीं, मतलब उसके लिए हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज है, तो एच ए एफ। जर्मन्स के लिए हिंदी क्या होगी? एच ए एफ। हिंदी को क्या बोलेंगे? हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज, एच ए एफ, हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज, शॉर्ट फॉर्म है जर्मन एज ए फॉरेन लैंग्वेज। और हम जर्मन सीख रहे हैं तो जर्मन क्या हमारे लिए? डाफ, डी ए एफ, डॉयच आल्स फ्रेमडिश प्राह, ऐसा बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या हमारा? जो भी जर्मन सीखना चाहता है, जो भी, ये सेंटेंस देख रहे हो, ये रिलेटिव आर्ट्स है, जब भी ऐसा हो, जो भी जर्मन सीखना चाहता है, यहां दो पार्ट्स में डिवाइड है सेंटेंस, वेयर डॉयश एरलर्नन म्यूस्टी, एरलर्नन म्यूस्टी, वेयर डॉयश एरलर्नन म्यूस्ट, जो भी जर्मन सीखना चाहता है, यहां पे वर्ब एंड होगा लास्ट में क्योंकि वेयर से स्टार्ट है। ठीक है, ये रिलेटिव आर्ट्स है, जो भी जर्मन सीखना चाहता है, इस तरह के सेंटेंस जब भी आएंगे डब्ल्यू, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सेंटेंस है, हम इस तरह से अपनी बात बोलते हैं, वे डॉयच लर्नन म्यूस्टी, जो जर्मन सीखना चाहता है उसे डाफ कोर्स करना चाहिए, या वो डाफ कोर्स करता है। बिलेक्ट,
बिलिक्ट एर डाफ कुर्स, बस दोनों को जोड़ कर दिया डाफ कुर्स। बिलिक क्या मैं यहाँ पे जैसे बिजुक्ट, बिजुक्ट बोलते हैं कोई भी कोर्स होता है वर्ब लिखते हैं बिजुखन, बट यहाँ पे नया है इसको सीखोगे स्टैंडर्ड बी वन प्लस लेवल है तो आपका ये बी वन प्लस है, ठीक है। बिलिक्ट आइनन कुर्स बिलेगन मीन्स कोर्स करना, आइनन कुर्स बिलेगन इश्मेस्टे आइनन कुर्स बिलेगन इश्मेस्टे आइनन डाफ कुर्स बिलेगन वाइल एशियन डॉयचलैंड आर बाइटन म्यूस्टे म्यूस्टन जी आइनन डाफ कुर्स बिलेगन नाइन इश्मेस्टे नेस्ट इश हाबे शोन डॉच के लैंड म्यूस्टन जी आइनन नॉइश प्राख एयरलैरन एयरलैरन मीन्स एयरवेरबन। कोई नई लैंग्वेज को सीखना है उसकी स्किल्स को सीखना तो लैरन तो सिंपल होता है, एयरलैरन मतलब उसकी स्किल्स उसकी बारीकियों को समझना एयरलैरन। जर्मन सीखने के बाद तुम्हें कंपनी में काम करने के लिए सक्षम होना चाहिए, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, सक्षम होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। देखिए इसको कैसे बनेंगे, नाकटेम डॉयच लर्नर जर्मन सीखने के बाद इसको लिखेंगे नाकटेम नाकटेम डॉयच लर्नर। Sollen sie befähigt werden. सक्षम को क्या बोलते हैं befähigt werden. befähigt werden. ये हमारा क्या befähigen. befähigen मतलब सक्षम होना, कॉम्पिटेंस होना, हाँ कॉम्पिटेंस काबिल होना। तो nachdem Deutsch lernen sollen sie befähigt werden. किस चीज के लिए? कंपनी में काम करने के लिए। इन आइनर फिर्मा सू आर बाइटन, ये सेंटेंस सू प्लस इन्फिनिटिव है, आप ध्यान से देखोगे इसको आप लिख सकते हो नाकटेम डॉयच लर्नर मतलब जर्मन सीखने के बाद। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे खाने के बाद नाकटेम एसन, स्विमिंग के बाद नाकटेम श्विमन, तो ये मेरा नाउन है ना। प्रेपरेशन के बाद हमें क्या चाहिए होता है? एक नाउन चाहिए होता है, तो डॉयच लर्नर को मैंने नाउन लिख दिया। ये मैंने बताया था आपको कि हम किसी भी वर्ब को नाउन बना सकते हैं और इस तरह की वर्ब नाउन का आर्टिकल हमेशा दास होता है, तो लर्नर इज ए वर्ब लेकिन मैं एल कैपिटल लिखूंगा तो नाउन हो जाएगा और इसका आर्टिकल दास हो जाएगा। तो नाकटेम डॉयच लर्नर सोलन सी बेफेहिग्ट वेर्डन आफ्टर लर्निंग जर्मन यू शुड बी कैपेबल टू वर्क इन ए कंपनी। ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी आपको आज की क्लास जरूर बताना और लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं एक नई क्लास में, टिल देन आउट विद द सेम बिस्वाल्ट।